कटी ना दो अलग प्लेन है तो उससे कर लिया, नहीं तो ये निकाला ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपने ये इंडक्टर लगा देना ऐसे, जिस सेट स्क्रू सड़े कट दिया हुआ ये स्टील के लिए ना, ये कट दिया हुआ ये स्टील के लिए नहीं, ये उसके लिए लोहे के लिए, हाँ लोहे के लिए कट दिया उस स्क्रू में आपने पूरा पूरा अंदर दबा देना, पूरा करके पूरा ऊपर तक करके इसको टाइट कर देना जी। आपके पास कोई पीस है ये सारे को टेस्ट करने के लिए है, आपको इसका टेस्ट करवाओ, हाँ कर लिया ठीक है ना। अब इसको हमने ऊपर ले आना, हमें कर लिया इसके और गैप देना पड़ेगा नीचे से, आपको थोड़ा दिए ना, हाँ इसमें इस ये इसका होता है इसके ऊपर रखा हमने, इसका गैप और देना पड़ेगा जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। ये लगाते हैं ना, ये देखना आप ये इधर आते अनलोड पोजिशन होना चाहिए जब हम करेंगे टेस्ट, ठीक है ना। इस पर हम लोड डालते हैं, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ ये इंडिकेशन दिया हुआ है, इस लाल लाइट इधर से अगर गलती से इधर चली गई तो ये खराब हो जाएगा, ठीक है। आपने इसको सुई सुई देखना, सुई सुई करना है इसमें, ये सुई भी देखना है सर, सुई को सुई बहुत ज़्यादा देखो ऐसे चलाना है इसको, ये चल रही ना, ये आस्ते आस्ते स्लोली स्लोली देख जाना, बिल्कुल स्लोली चलिए इससे, और हम इसको लोड देते हैं अभी 150 मैक्सिमम रेट पे, ठीक है। ये 150 पे सेट किया हुआ है, आराम से देखो बिल्कुल आराम से स्लोली स्लोली जाना इसको, हल्का 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 ऐसे ठीक है। ये हमने अनलोड कर दिया। अब इसकी रीडिंग अभी आपने लाल में देखा है कि लोहे ये लाल वाली रीडिंग है वो लोहे के लिए, जो काली वाली रीडिंग है वो SS के लिए, इसी लिए ये आपका आ गया 78.5 ठीक है। ये इसका हार्डनेस आई, इसकी हार्डनेस है चाबी की, ठीक है। फिर अनलॉक पे है तो इसको रिलीज कर देगा, नीचे रिलीज कर देंगे, ये अपना हार्डनेस चेक कर लीजिए ऐसे।